नमस्कार मित्रांनो, जय गुरुदेव मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता आपण आलो आहोत नारेश्वरला आणि आता तुम्हाला स्पेशली मला सांगायचं आहे की आपल्याबरोबर आम्ही दोन गाड्या बुक केल्या होत्या। या त्या दोन गाड्या आहेत, एक ही गाडी आणि एक ही गाडी आहे आणि या दोन गाडीचे पायलट हे आहेत। हॅलो, आपका नाम बताओ। मिस्टर हारून। और ये भी बेस्ट पायलट है एकदम। क्या नाम है? लतीफ। लतीफ, तो अभी दोनों ने बहुत अच्छा गाड़ी चलाया है, तो अभी हम लोग अंदर जाते हैं। तो आता अपन आत मध्ये जाऊया आणि आता बघूया। आता आपण आलो आहोत नारेश्वरला आणि इथे रंग अवधूत महाराज यांची समाधी आहे। श्री रंग अवधूत महाराजांचे पूर्वाश्रमीचे नाव पांडुरंग विठ्ठल वालामे असे होते। रंग अवधूत महाराज म्हणजे टिंबे स्वामी महाराजांचे शिष्य। नारेश्वर मंदिराला यायचं असेल तर हे मंदिर गुजरातमधील भरूच आणि वडोदराच्या मध्ये नर्मदा मैयाच्या बाजूला आहे। मुंबईपासून 370 किलोमीटर, पुणेपासून 550 किलोमीटर, अहमदाबादपासून 175 किलोमीटर, सूरतपासून 115, वडोदरापासून 60 किलोमीटर, भरूचपासून 40 किलोमीटर, तर कर्जनपासून 28 किलोमीटर अंतरावर आहे। आपल्याबरोबर इकडचे जे मेन आहेत नवीन पाठक, ते आपल्याबरोबर आहेत, ते थोडंसं आपल्याला याच्याबद्दल माहिती सांगतील, ते आता आपण बघूया। नमस्कार पाठक जी। नमस्कार। आप थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन दर्शकों को बताइए। अभी जो आपने महादेव का मंदिर देखा उसका नाम नारेश्वर महादेव के। तो नारेश्वर महादेव जो है वो यहाँ के इस बाजू के गांव के नारोपंत नाम के उनके नाम पर से इसका नाम नारेश्वर हुआ। क्योंकि उसने शिवलिंग जमीन में से निकाल दिया था और यहाँ स्थापित किया, इसलिए उसको नारेश्वर महादेव मंदिर। और 1925 में रंग अवधूत महाराज यहाँ ये महादेव के मंदिर के सामने झोपड़ी बांधकर यहाँ ये जगह पे ये जगह अच्छा। ये जो जगह है उनका पहला आसन था। ओके। और यहाँ 1925 में आए, धीरे धीरे स्थान डेवलप हुआ। तो जसं त्यांनी सांगितलं तसं पहिले इथे त्यांची झोपडी होती आणि नंतर हे सगळं डेव्हलप झालंय। तर आता ती जागा आपण बघूया, ती आता सर आपल्याला घेऊन जात आहेत। रंग अवधूत महाराजांनी दत्तबावनी स्तोत्राची रचना केली। ही दत्तबावनी नकारात्मक ऊर्जा किंवा पिशाच पिढेतून मुक्ती करण्यासाठी वापरली जाते। अच्छा, हे आता आपल्याला पाठक सर सांगतायत की आई जी होती रंगावतून महाराजी, ती इथे राहायची आणि ती इथे बसायची, त्यामुळे तुम्ही जागा बघू शकता। ऐसा बहुत कम रेयर ओकेजन में होता है कि कोई भी व्यक्ति जीवित हो और उनकी मूर्ति स्थापित हो। ये आप देख रहे हैं उनके माता जी का जो मूर्ति है वो माता जी की स्थूल हयाती में इसकी स्थापना की गई। माता जी अभी थी तभी। हाँ। ये आप जो देख रहे हैं मूर्ति रंग अवधूत महाराज की मूर्ति, तो रंग अवधूत महाराज का देहावसान ब्रह्मलीन हरिद्वार में हुए। हरिद्वार में। और वहाँ से चार्टर प्लेन से अहमदाबाद लाए, यहाँ से यहाँ नारेश्वर में लाए और इसी स्थान पर अग्नि संस्कार किया गया। अच्छा। और अग्नि संस्कार करने के बाद उनकी स्थापना की थी। उन्होंने बोला था कि मुझे मेरे माता जी के सामने रखना। अच्छा। यानी माता जी का जो मूर्ति देखी बराबर उसके सामने। बराबर बराबर। और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 1972 में। यहाँ अच्छा, यहाँ 68 में देह त्याग हुआ। हाँ। फिर यहाँ अग्नि संस्कार किया, तीन बरस में मंदिर की स्थापना की। अभी हम लोग पाठक जी कहाँ जा रहे हैं? माता जी का जहाँ अग्नि संस्कार किया गया था उसी स्थान पर जा रहे हैं। रंगावधूत महाराजांच्या आईला अग्नि संस्कार केले गेले होते या जागेवर। खूपच मस्त जागा एकदम।
इंडिया में मातृतीर्थ गया में है और दूसरा यहाँ गुजरात में सिद्धपुर में है, सिद्धपुर में, और तीसरा ये मातृतीर्थ की यहाँ स्थापना की गई है और उनकी यादगिरी में ऐसा रॉक टाइप मॉन्यूमेंट बना है। यहाँ बहुत कुंडा गहरा खड्डा, फिर अग्निपुराण के जो मुजब यहाँ इनकी स्थापना की गई है। ओके ओके, 1,00,000 श्री सूक्त मंत्र इसमें किया गया था। अच्छा। श्री सूक्त मंत्र करने के बाद ये मॉन्यूमेंट बनाया, उनकी स्थापना की रंगबहादुर महाराज की सूल हाजिरी में ये 1967 में, रंगबहादुर महाराज 68 में, वन एंड हाफ ईयर का डिफरेंस था। ये नीम का ट्री है, अभी तो सूख गया है क्योंकि इसकी एज अबाउट 200 और 300 ईयर, 200 के 300 साल के पुराना, क्योंकि जब रंगबहादुर महाराज यहाँ आए 1925 में उसको तो 95 ईयर्स हो गए, मोर देन 95, और तब भी बहुत घना गहरा था। तो यहाँ ऐसा एक बैठक बना के रंगबहादुर महाराज जी यहाँ पे बैठते थे और भक्त लोग यहाँ बैठते थे और चिट चिटिंग करते थे। दो चीज इसमें याद रखने की है, इनके बैठने से और चिट चैटिंग करने से नीम का ट्री की कड़ुवाहट कम हो गई चैंटिंग की वजह से, अरे वाह, कड़वाहट हो गई। या नीम का जो पत्ते है ना वो इतने कड़वे नहीं होते जिसके दूसरे। और दूसरी बात, ये नीम का ट्री अभी आप देख रहे हैं लेकिन पहले अम्ब्रेला टाइप पूरा फैला हुआ तो उसको हमें सपोर्ट देना पड़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि संत की उपस्थिति में कैसा था, नम्र बनना चाहिए और कड़वाहट कम होनी छोड़नी चाहिए। बराबर, मतलब नीम का ट्री का भी कड़वाहट कम हो गया, मतलब कितनी बड़ी बात है। हाँ, हफ्ते ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ये रंगबहादुर महाराज के गुरु जी के हैं। रंगबहादुर महाराज मूल तो महाराष्ट्र के माणगांव के थे और उनका लीला नृसिंह वाटिका और गाणगापुर में हुई थी। तो रंगबहादुर महाराज जब 8 साल के थे और यहाँ तो उनके पिताजी और माताजी गुजरात में स्थायी हुए थे लेकिन ओरिजिनली वो रत्नागिरी जिला में देवड़े गांव के थे। देवड़े गांव। तो जब 8 वर्ष के हो गए तो उनका छोटा भाई था 6 वर्ष का नारायण, उनका यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए वहाँ गए। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद वो नृसिंह वाटिका में स्वामी महाराज के दर्शन के लिए गए। टेम्बे महाराज। तो टेम्बे महाराज वहाँ बिराजे थे और रंग तो उनका नाम पांडुरंग था। तो पांडुरंग अपनी माता जी के साथ वहाँ गए तो माता जी का हाथ छुड़ा कर सीधे दौड़े और उनके पास जाने लगे। वैसा क्या है, पवित्रता ऐसी होनी चाहिए, सन्यासी को छू नहीं सकते। तो क्या उनकी मौसी ने पकड़ लिया। तो टेम्बे स्वामी ने कहा आने दो। तो आने दिया। फिर उसको पूछा अरे तू कोणाचा मुलगा है, तो मैं तुमचा मुलगा है। इतना छोटा सा बच्चा वो कह रहा है। तब से उन्होंने दीक्षा ले ली। अरे वाह, 8 साल की उम्र में। हाँ, मैं तुमचा मुलगा है, बस हो गया। जबरदस्त। और ये नीचे क्या है? ये क्या अनुष्ठान करने के लिए जगह है। अच्छा। तो रंगबहादुर महाराज ने यहाँ नीचे अनुष्ठान किया। अच्छा, अपन आप बगुन की व्याख्या नर्मदा माता जी की मूर्ति है। जब रंगबहादुर महाराज, मैं थोड़ा लाइफ स्केच कह देता हूँ कि आपने अभी सुना कि 8 वर्ष के उम्र में रंगबहादुर महाराज ने दीक्षा ले ली। फिर क्या हुआ, वो तो गुजरा में पढ़ते थे क्योंकि उनके पिताजी गुजरा के विठ्ठल मंदिर के पुजारी थे। ओके। तो वहाँ पढ़ाई की मैट्रिक तक,
बाद में कॉलेज में चले गए, कॉलेज में बड़ौदा कॉलेज में गए, लेकिन वहाँ क्या गांधी जी ने स्वराज का आंदोलन किया तो पढ़ाई छोड़ दी और फिर गांधी जी के साथ जुड़ गए, अहमदाबाद गए और वहाँ आदर्श विद्या विनय मंदिर में स्नातक हुए संस्कृत के, संस्कृत के वहाँ अध्यापक भी हो गए उसी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन उनको क्या था कि भगवान की शोध में जाना था, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना था इसलिए वहाँ से छोड़ दिया। माताजी को पूछा कि मुझे तो संसार छोड़ के जाना है, माताजी थोड़ा दुख तो हुआ, फिर कहा कि तुम्हारा छोटा भाई है तो क्योंकि छोटा भाई मेरा स्थायी हो जाए कहीं फिर बाद में जाऊँगा, तो छोटा भाई बी ए विथ इंग्लिश हो गए, बॉम्बे में उनको कोई स्कूल में अध्यापक भी हो गए, माताजी वहाँ चली गई, बाद में ये स्थान ढूंढते ढूंढते नारेश्वर आए इसी जगह। अच्छा, और इसी जगह क्या देखा, हम एंट्री में आए ना पहले जो आप गेट देखा था, तो गेट में क्या बीच में पीकॉक है, मोर, हाँ, मोर, और सामने बाजू में पिलर में नाग स्नेक है, और तो ऐसे तो पीकॉक और स्नेक दुश्मन होते हैं, फिर लेकिन यहाँ जब पहली बार आए तो दोनों को साथ में खेलते देखा, अरे बाप रे, इसलिए उसको पता ऐसा लगा कि नहीं ये स्थान दैवी स्थान, दैवी स्थान है, इसलिए यहाँ नर्मदा के, और दूसरे दो तीन संतों ने भी कहा कि तुम्हारा स्थान हिमालय में नहीं है। नर्मदा किनारे है, तो ये नर्मदा किनारे यहाँ माता जी की स्थापना, मूर्ति की स्थापना, और यहाँ आ गए। क्या बात, जबरदस्त। 1925 से 1968 तक यहाँ रहे, तो उनका भाई शायद 25-30 बरस के हो गया शायद, तो उसको ऐसा लंग्स का रोग हो गया कि वो लास्ट स्टेज में थे। ओके, तो माता जी ने बोला है कि यहाँ से बॉम्बे आ जाओ, बॉम्बे आ गए यहाँ से दूसरे भक्त को लेकर, और माता जी को कहा कि इनको यहाँ नारेश्वर में ले, नारेश्वर में खुली हवा हो गई। अच्छा, तो उनको तो मालूम हो गया ये ज्यादा जिएगा नहीं, यहाँ ला के महाराज ने बोला कि तू चिंता मत कर, मैं माता जी की पूरी सेवा करूंगा, अगर माता ने बोला कि फिर संसार में जाओ तो मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। तो उसको शांति हो गई और वो उसका देहांत हो गया। फिर माता जी को पूछा कि तुम्हें क्या करना है, वापस गुजरात जाना है या यहाँ रहना है। दूसरे भक्तों ने भी कहा कि माता जी हम तो आपकी सेवा करेंगे अगर आप यहाँ रहे तो माता जी ने राजी खुशी से यहाँ रहने का परमिशन दे दी। वैसे जब घर छोड़ा माता जी की आज्ञा लेके, तो उन्होंने तीन प्रतिज्ञा ली थी, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य बनूंगा, दूसरी मैं पैसे को छूंगा नहीं। अच्छा, अगर भूल से किसी ने पैसा रख दिया तो वो वापस कर देते, और तीसरी प्रतिज्ञा मैंने कोई शिष्य नहीं होगा, शिष्य नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा। अच्छा, आप अभी देख रहे हैं उनकी मूर्ति है जो वही ट्रस्ट चला रही है, ऐसा हम मानते हैं, सूर थे तब अब सूक्ष्म है तब चला रही, कोई क्योंकि आप हम इंडिया में बहुत जगह देख रहे हैं गांधी के बाद दूसरे जो भारत आते हैं वो पैसे के लिए मिल्कत के लिए बहुत करते हैं, इसलिए ये तीन प्रतिज्ञा की। पाठक जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दर्शकों को दी है, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। तर पाठक सरांनी आपल्याला एवढी इन्फॉर्मेशन दिली आहे, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि लोकांपर्यंत पोहोचवायचा असेल तर हा तुम्हाला शेअर करायला लागेल, आणि जर चॅनल आवडला असेल सबस्क्राईब तुम्ही नक्की करा। तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत एकमेकांना बाय।